हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार ड्रामा की जिसकी मेन कैरेक्टर वैली है। वैली एक साइड एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत महान एक्टर बनना चाहती हैं। वैली के मॉम डैड ने बिजनेस में घाटा होने की वजह से सुसाइड कर लिया था और अब वैली दिन रात मेहनत करके उनका पूरा कर्जा चुका रही है। तो कहानी की शुरुआत वैली से होती है जिसका एक एक्सीडेंट हो चुका था और वो होश में आती है। होश में आते ही वो कहने लगती है कि वो कहाँ है, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसको याददाश्त की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन तभी कुछ लोग उसके दरवाजे पर आ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। बेचारी लड़की एक तो पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान थी और ऊपर से ये लोग और यमराज बनकर उससे पैसे मांगने के लिए ही पहुंच गए। वैली उनके सामने अपनी एक्टिंग का इस्तेमाल करती है और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने लगती है, जहाँ उसकी मासूम सी शक्ल देख कर वो लोग भी थोड़े से पिघल जाते हैं और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। वैली अंदर आकर अपने घर की सारी कीमती चीजें ढूंढने लगती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब उसे कोई ना कोई सामान बेचना पड़ेगा जिससे कि वो अपना कर्ज चुका सके। लेकिन तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें फोटो आधी थी और उस आधी फोटो में जो लड़का था उसका पैर भी आधा ही नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं हमारे हीरो से, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और एक बड़ी कंपनी का मालिक है और इसका नाम यू है। यू एक ब्लाइंड डेट पर जा रहा था। तो अब थोड़ा से पीछे चलते हैं जहां यू की दादी चाहती है कि वो शादी कर ले और इसलिए वो उसको ब्लाइंड डेट पर भेजती ही रहती हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारे हीरो को एक बीमारी है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय उसके। यू और वैली रास्ते में टकरा जाते हैं जिससे कि यू जमीन पर ही फैल जाता है। वैली उसे बिना देखे ही कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। बेचारी लड़की वैसे ही इतना ज्यादा परेशान थी और अब प्रेसिडेंट यू भी उससे टकराने की वजह से जमीन पर ही फैल गए, जिससे कि वो बेचारी और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यू को गिराने का सारा इल्जाम वैली के ऊपर जो आ गया था। यू वैली का हाथ पकड़ लेता है जोर से और उसे वहाँ से जाने नहीं देता, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी पहुँच जाता है और वैली से कहता है कि तुमने ये क्या किया और अब तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। यू को हॉस्पिटल वो ले जाते हैं, जहाँ वैली उसका हाथ पकड़ कर उसके सामने ही बैठी हुई होती है। जैसे यू को होश आता है वैली उसका हाथ छोड़ने को कहती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यू पीछे से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो तुमने धक्का मारा और ऊपर से मरीज को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर जा रही हो। जहाँ वैली उससे कहती है कि अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी, मैं कर्जदार हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मैं कर्ज के समंदर में डूबी हुई हूँ और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी यू उसे अपना नंबर देता है, जहाँ सेक्रेटरी आता है और उसे उसकी ब्लाइंड डेट के लिए लिस्ट दिखाता है। बाप रे बाप, इतनी लंबी तो लड़कियों की शॉपिंग लिस्ट भी नहीं होती जितनी लंबी जनाब की डेटिंग लिस्ट थी। सेक्रेटरी के ये कहने पर कि आपको इन सारी लड़कियों के साथ डेट पर जाना है, यू उसे मना करते हुए कहता है कि अब इस लिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। सेक्रेटरी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि शायद आप इसी लड़की की बात कर रहे हैं जो अभी अभी यहाँ से गई है। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कि इसी की शादी की बात हो रही है। वैली भी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए अपनी एक्टिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है और अपने साथ ही एक्टर लू से हेल्प मांगती है, जो कि उसकी हेल्प भी कर रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसकी मूवी की लीड एक्टर उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देती है और साथ ही उसे कल से काम पे आने के लिए भी मना कर दिया। समझ नहीं आ रहा बेचारी हीरोइन के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। सारी की सारी मुसीबत एक के बाद एक उस पर ही टूट पड़ रही है। वैली एक रेस्टोरेंट में होती है और बेचारी अपनी फूटी किस्मत को कोस रही होती है कि आखिरकार उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। जिस दुख में वो बहुत ही ज्यादा पी लेती है और खड़े होकर जोर से चिल्लाती है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ी हीरोइन बनकर दिखाएगी, और ये कहते ही वो टुन होकर नीचे गिर जाती है। यू को कॉल आता है कि आपकी एक दोस्त यहाँ पर टुन होकर हमारे यहाँ पर पड़ी है, तो प्लीज आकर उसे यहाँ से ले जाइए। जहाँ तभी यू पहुँच जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। यू को देखकर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और फिर उसे मारने भी लग जाती है। यू के पूछने पर कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, वो बोलती है कि 5 लाख हैं, तो क्या तुम दोगे। यू उसे उठाकर अपने घर ही ले जाता है और अपने बेडरूम में सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है, देखती है कि वो तो किसी नई जगह पर है और सामने से यू आता है। साथ ही उसे ये भी याद आ जाता है कि लास्ट नाइट उसने कितनी ज्यादा पी ली थी और ये सब तो होना ही था। वो तो हमारा हीरो शरीफ है और इसलिए कुछ उटपटांग नहीं हुआ, वरना हो तो बहुत कुछ सकता था। नेक्स्ट सीन में वैली अपने घर पर होती है, जहाँ लूज के लिए एक नया रोल लेकर आता है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी पैसे मांगने वाले फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। बेचारी को थोड़ी खुशी मिली ही थी कि यमराज फिर से पहुँच गए, लेकिन इस बार वैली दरवाजा नहीं खोलती है और वो लोग दरवाजा पीट पीट कर ही वहाँ से चले जाते हैं। वही हमारे हीरो ने हीरोइन की सारी जानकारी निकाल ली थी और उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। जहाँ वो कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है ये सुनकर तो यू कुछ सोचने ही लग जाता है, जिसके बाद वो उसके घर जाता है। यू बोलता है कि वो वैली की हेल्प करना चाहता है। जहाँ वैली को पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने कर्ज के बारे में सोचने लगती है
और ये उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट शादी का था। अरे ये क्या, हमारा हीरो तो हीरोइन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है। जैसी वैली वो पेपर देखती है चौंक जाती है और उसे बहुत ही भला बुरा बोलने लग जाती है कि उसने उसे समझ कर क्या रखा है। लेकिन फिर यू उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी दादी मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहती है, तो मियो जो मेरी दादी को ये सब करने से रोक सकती हो तो तुम भी बस मेरी हेल्प करनी है और एक साल के लिए मेरे साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, फिर तुम आजाद हो और अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहो वो कर सकती हो। वैली उसे मना कर देती है, जहां यू फिर उससे उन पैसे मांगने वाले यमराजू के बारे में कहता है। बोलता है कि सोच लो, वो दोबारा भी आ सकते हैं। जहाँ ये सुनते ही वो काफी शक हो जाती है कि यू को उन लोगों के बारे में कैसे पता चला। बोलती है कि तो क्या तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हो, और यू कहता है कि इसमें गलत ही क्या है। जहाँ बैली भी सोचती है कि उसके पास उस कर्ज को उतारने के लिए कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए वो हाँ कर देती है। साथ ही उसे वार्निंग देते हुए ये भी बोल दिया कि मैं जब भी चाहूँ तुम्हारा पैसा चुका कर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती हूँ, और यू भी उसकी बात मान लेता है। और अब मानता क्यों नहीं, क्योंकि उसे अपनी खड़ूस दादी से जो बचना था। वेल तो दोनों दादी के पास पहुंच जाते हैं। दादी दोनों को देखकर साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कि डेटिंग करते हुए कितना टाइम हो गया और तुम लोग एक दूसरे से कब मिले। हीरो बोलता है कि एक साल पहले, लेकिन हीरोइन बोल देती है एक वीक पहले। अरे ये क्या, हमारे हीरो हीरोइन ने तो अपनी कहानी की स्क्रिप्ट ही नहीं तैयार की। वेल तो दादी को भी शक हो जाता है, बोलती है कि तुम दोनों मुझे मिलकर बेवकूफ बनाना चाहते हो ये झूठी शादी करके। लेकिन तभी यू वैली का हाथ पकड़ कर बोलता है कि नहीं नहीं दादी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यू की बात सुनकर वो मान जाती हैं। दादी तो मान गई थी, लेकिन हमारी हीरोइन थोड़े गुस्से में होती है। और यू के ये कहने पर कि अब हमारी शादी हो गई है तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, वैली अपने घर सामान लेने के लिए पहुंच जाती है। जहाँ पर तभी लू आता है और उसे एक मूवी के रोल के लिए ऑडिशन के बारे में बताता है, और ये सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लू को पानी देती है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसे थोड़े चक्कर आने लग जाते हैं और वो पानी लू के ऊपर ही गिरा देती है। लू वॉशरूम चला जाता है कि तभी पीछे से यू आ जाता है। वैली जैसे ही गेट खोलती है उसे काफी चक्कर आ रहे होते हैं और वो गिरने वाली होती है, लेकिन हमारे हीरो के होते हुए वो गिर कैसे सकती थी। वेल तो यू उसे पकड़ लेता है कि तभी लू बाहर आता है और उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर जल भुन रहा होता है। अरे अरे जल क्यों रहा है भाई, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही सही। यू लू को देखकर पहचान लेता है, क्योंकि असल में वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। और लू वहाँ से जाते हुए वैली को बोलकर जाता है कि बाकी की बात हम लोग कल कर लेंगे, फिलहाल तुम आराम करो। ये बात हमारे हीरो को कुछ पसंद नहीं आती है और आएगी भी कैसे। यू उससे कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हो तो रूल के अकॉर्डिंग ही तुम्हें रहना होगा। लेकिन फिर वैली उसे बताती है कि वो एक बहुत बड़ी एक्टर बनना चाहती है। जहाँ हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि हमारा हीरो भी पहले एक एक्टर था और बहुत ज्यादा फेमस था, यही कारण है कि उसने लू को देखते ही पहचान लिया था। वेल तो वैली पहुंच जाती है अपने ससुराल और आते ही यू और वैली में लड़ाई होने लग जाती है कि बेड पर कौन सोएगा। जहाँ पर तभी अचानक से रूम में दादी पहुंच जाती हैं। दादी को भी चैन नहीं है, सब कुछ जानना है उन्हें। सब जानना है इस बड़वे को। यू ने दादी को आते हुए देख लिया था और उनको कुछ पता ना चले, इसलिए वो फटाक से चादर लेकर वैली के ऊपर ही लेट जाता है, जिससे दादी को लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। जिसके बाद यू कहता है कि तुम बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊंगा। नेक्स्ट डे वैली अपना ऑडिशन देने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन यू को ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैली एक्टिंग करे। वैली लू के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही लूमी नाम की एक एक्ट्रेस मौजूद थी जो वैली को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वैली वहां से चली जाती है और दूसरे डायरेक्टर को फोन मिलाती है कि कोई तो हमारी हीरोइन को हीरोइन बनने का मौका दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और सब उसे मना कर देते हैं। बेचारी वैली उदास होकर घर पहुंच जाती है और यू इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, वैली को रोल नहीं मिला था। लेकिन तभी उसे एक डायरेक्टर की कॉल आती है और वो उसे एक रोल देने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही उसे ऑडिशन के लिए भी बुलाता है। वैली ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाती है, जहां लूमी भी पहले से ही मौजूद थी। ये रोल सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मिलने वाला था और जहां डायरेक्टर को वैली का परफॉर्मेंस पसंद आता है और ये रोल उसे मिल जाता है। वैली स्टूडियो से बाहर निकलती है, जहां उसे फिर से चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन तभी लू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है और इसलिए लो ये चॉकलेट खा लो। ये सब कुछ लूमी ने भी देख लिया था और वो बहुत ज्यादा उनसे जलने लग गई थी। जलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो हाथ से रोल चला गया और अब लड़का भी। जिसके बाद वैली घर आ जाती है और देखती है कि यू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने लग जाती है। और ये क्या, हमारी हीरोइन को तो लग रहा है हीरो से प्यार ही हो गया है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती और बार बार उसे डिनाई करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यू अपने डॉक्टर से बात करता है, जहां सारे चेकअप के दौरान डॉक्टर की बीमारी के बारे में बताते हैं।
साथ ही कहते हैं जो बीमारी उसे है उसमें लोग 30 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हैं। ये सुनने के बाद तो यू बहुत दुखी हो जाता है, सीधा अपनी दादी के पास जाता है और अपनी मॉम डैड की मौत के बारे में पूछता है। साथ ही कहता है कि उनको भी शायद यही बीमारी थी ना जो मुझे है। दादी आपको सब कुछ पता था, उसके बाद भी आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। वहीं वैली घर आ जाती है जहां यू वैली से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। वैली ये बात सुनते ही हैरान हो जाती है और चक्कर खाकर वहीं लुढ़क जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो यू से कहती है कि तुम ऐसा मत करो और प्लीज मुझसे दूर मत जाओ और मेरे पास ही रहो। यू भी उसकी बात को समझते हुए कहता है कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जहाँ हमारी हीरोइन खुद उसे दूर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे तो प्यार हो गया था और इस बात को वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हमारे हीरो का क्या, वो तो अपनी बीमारी की वजह से ही उसे दूर भेज रहा था। वेल तो आज हमारे हीरो का हैप्पी वाला बर्थडे है और वैली को ये बात पता है, जहाँ वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करती है और साथ ही उससे पूछती है कि मेरे नकली पति देव, तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। लेकिन ये उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वैली को बहुत जोरों से गले लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, यू को भी वैली से प्यार हो गया है और वो अब उसे दूर नहीं जाना चाहता, ना ही उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन उसका ये अचानक से प्यार वाला रूप वैली को समझ नहीं आता, वो तो चक्कर में ही पड़ जाती है कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। जिसके बाद यू अपनी बीमारी के बारे में थोड़ी छानबीन करने लग जाता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और साथ ही अपनी फुल बॉडी चेकअप भी करवा लेता है। वैली बाहर होती है और यू उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो काफी शॉक हो गई थी। जिसके बाद दोनों साथ में रेस्टोरेंट में होते हैं और प्यार से बहुत ही वो उससे पेश आ रहा था। जहाँ तभी वैली के पास डायरेक्टर की कॉल आती है और उसको एक मूवी में रोल मिल गया है। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यू को वहीं छोड़कर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूमी को इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वो जलन के कारण वहां पर एक वीडियो वायरल करवा देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर ये रोल वैली को देने से साफ इनकार कर देते हैं। बेचारी हीरोइन को खुशी मिली ही थी कि फिर से उसे छीन ली गई और वो फिर से सैड होकर दोबारा से घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पास फिर से कॉल आती है डायरेक्टर की और बोलता है कि तुम्हें वो रोल वापस मिल गया है। और ये चमत्कार कैसे हुआ ये तो आपको पता चल ही जाएगा। वहीं यू भी अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास भी मूवी डायरेक्टर का कॉल आता है और वो उसे अपनी मूवी में काम करने को कहते हैं, लेकिन यू ने मना कर दिया था। वैली की मूवी की आज शूटिंग होने वाली है और ये सब लोग वहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब हीरो का इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते हीरो भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यू होता है। जब हीरो इतना हैंडसम है फिर तो मूवी हिट होनी ही है। वैली उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे टपक गए। यू के ये कहने पर कि मैं पहले एक बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करता था, वैली शॉक होकर बोलती है मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। सुना भी कहाँ से होगा, क्योंकि मैडम को याददाश्त की प्रॉब्लम जो है और वो अपनी सारी बातें भूल भी जाती हैं। नेक्स्ट सीन में यू अपना बिस्तर नीचे लगा रहा होता है कि वैली उसे फिर अपने साथ ऊपर सोने के लिए बोल देती है, क्योंकि उसने उसका इतना ज्यादा ख्याल जो रखा था। रात के टाइम यू को अपने सेक्रेटरी की कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि वो उसके असली मॉम डैड नहीं है बल्कि उसे तो गोद लिया गया था। ये सुनते ही वो फटाक से अपनी दादी से मिलने पहुंच जाता है, उनसे क्वेश्चन करने लग जाता है, लेकिन दादी उसे कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ वैली अपने शूट के लिए जा रही होती है कि तभी लूमी उसे मिलती है और उससे कुछ बात करने लग गई थी, जहां वैली बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। ये बात जैसे यू को पता चलती है वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वैली को अपना चेकअप करवाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। ओह इतना प्यार। फिर एक दिन जब यू का असिस्टेंट जा रहा होता है तो लूमी उसे टकरा जाती है और उसके हाथ से यू और वैली का कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी का फाइल गिर जाता है, जो कि लूमी के हाथ लग गया था और इसी की वो तलाश कर रही थी, जिसे वो दादी को जाकर दे देती है। और दादी तो भाई आग बबूला हो गई थी, वैली के पास जाती है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। वैली उन्हें बहुत समझाती है लेकिन दादी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, बहुत ज्यादा गुस्से में जो थी, और वैली अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। जहाँ रास्ते में उसे यू मिलता है और उससे कहता है कि चलो हम मिलकर दादी को समझा देंगे, लेकिन वैली कहती है कि नहीं रहने दो, दादी बहुत गुस्से में है और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही उसे ये भी बोल दिया कि तुम भी उन पर ज्यादा गुस्सा मत करना। यू फिर दादी के पास जाता है, उन्हें समझाते हुए बोलता है कि वैली एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन दादी उससे कहती है कि अगर वो इतनी ज्यादा अच्छी होती तो पैसों के लिए कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। जहाँ यू उनको समझाता है लेकिन दादी गुस्से में उसे खींचकर थप्पड़ मार देती है। अरे बाप रे इतना ज्यादा गुस्सा। वैल तो हमारा हीरो भी कहाँ कुछ कम था, वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और आप मुझे कभी भी समझ नहीं पाएंगी,
अपना सारा सामान पैक कर लिया और घर भी छोड़ दिया। जहाँ मेरा प्यार नहीं वहाँ मैं नहीं। यू का सेक्रेटरी वैली को कॉल करता है और बताता है कि आपके आशिक ने अपना घर छोड़ दिया है। ये बात सुनकर तो वैली काफी परेशान हो गई थी। वही बेचारा हीरो आशिकों की तरह सड़कों पर घूम रहा था। वैली उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ यू भी उसको गले लगा लेता है। रात में दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। वैली उसे समझाती है और बोलती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लग जाता है, दोनों साथ में रहने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में दादी वैली को बुलाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने मेरे पोते पर जो वो तुमको छोड़ नहीं पा रहा है। अरे दादी क्या बात कर रही हो, वो लड़की है कोई जादूगरनी थोड़ी। जहाँ दादी की इतनी सारी जली कटी बातें सुनकर फाइनली वैली बोलती है, दादी मैं यू से प्यार करती हूँ, बाकी आप कुछ भी समझो। जिसके बाद दादी सीधा यू से मिलने के लिए पहुँच जाती है और बोलती है कि वैली के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। जहाँ यू कहता है कि ये मेरी जिंदगी है और मैं चाहूँ जैसे जी सकता हूँ और प्लीज आप मेरी चिंता ना करें। जिसके बाद सेक्रेटरी का उसे कॉल आता है और कहता है कि दादी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहीं वैली को कुछ ना कर दे। यू वापस जा ही रहा होता है कि तभी दोबारा से उसका कॉल आता है और वो बताता है कि दादी ने वैली की शूटिंग वाली जगह पर जाकर हंगामा कर दिया था, जिसकी वजह से वैली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो बेहोश भी हो गई है। ये सुनते ही वो सीधा भाग भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक है, बस टेंशन की वजह से वो थोड़ा बेहोश हो गई थी और अभी वो बिल्कुल ठीक है। यही बात डॉक्टर दादी को भी कहते हैं। दादी को थोड़ा पछतावा होने लग गया था। वैली को धीरे धीरे होश आ जाता है और यू फिर उसे अपने जोर से गले लगा लेता है। जिसके बाद दोनों दादी के पास आते हैं, उन्हें मनाते हैं और उन्हें समझाते हैं। और हमारी दादी भी यहाँ दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती थी और मान जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद वैली को यू के रूम में एक फोटो मिलती है जिसमें वो यू के साथ में थी। वैली उस फोटो के बारे में उससे पूछती है, जहाँ दोस्तों कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। यू वैली को बताता है कि एक बार वो पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ पर एक फैन आकर उससे उसका ऑटोग्राफ मांगने लगी, साथ ही उसने उसके साथ में फोटो भी खिंचवाई। जहाँ वैली को याद आने लग जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद वैली ही थी, जो कि अपनी याददाश्त खोने से पहले यू से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और ये दोनों साथ में थे। नेक्स्ट सीन में दादी वैली के पास में होती है, जहाँ वो दादी को गले लगाए हुए थी, साथ ही अपनी पिछली बातों के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वो डॉक्टर से पूछ रही थी कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे यू की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं फिलहाल तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन शायद आगे उसका इलाज मिल जाए। ये बात सुनते ही दादी बहुत रोती है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ हमारी हीरोइन को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला था, यानी जो कुछ उसने बोला था कि वो एक दिन बेस्ट एक्टर बनेगी वो उसने कर दिखा दिया था। दोनों मिलकर इसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ यू से कहता है कि वैली अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वैली भी कहती है कि अरे पागल, हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों ना हो, शादी तो शादी होती है। जहाँ लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनकी सच में शादी हो जाती है एंड गाइस इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये क्यूट लव स्टोरी और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्यूट और प्यारी प्यारी लव स्टोरी मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊंगी और आपसे वो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।